गाइस रौनक और मैं आ गए थे मंदिर, क्योंकि हमारे यहाँ पूजा होती है आज के दिन। तो बस अभी मैं पूजा करके घर जाके फिर उसके बाद फिर मैं आराम से ऑफिस जाऊँगी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। तो सुबह की शुरुआत हो गई है, जैसे कि आज क्या हुआ कि आज है, आज मंगलवार है ना, तो होली के बाद जो गाइस मंगलवार आता है ना, तो हमारे यहाँ पे पूजा होती है और शीतला माता जी की पूजा होती है। तो वो मैंने सोचा कि चलो मैं अकेले क्या जाना है मुझे, तो मैंने रौनक अभी घर में है, कल से स्कूल जाएगा, तो मैंने सोचा कि रौनक को साथ लेके जाती हूँ। तो रौनक और अभी हम मंदिर से होके आए हैं और पूजा कर ली हमने अपने, और साथ में मेरा काम फिनिश हो गया गाइस। तो मैंने थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मांगा था ऑफिस से कि मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊँगी, आधा घंटे के करीब थोड़ा सा मैं लेट आऊँगी। तो बस मैं अभी निकलने वाली ऑफिस के लिए, उसके बाद दोबारा मैं आपसे मिलती हूँ गाइस। तो गाइस मिलते हैं आपसे बाद। मत खाने में क्या बन रहा? खुशबू तो अच्छी आ रही है। खुशबू अच्छी आ रही है। मैं जल्दी बना रही हूँ गाइस, मैं रौनक के लिए बना रही हूँ एक स्पेशल डिश, क्योंकि अभी मैं सब्जियाँ लेकर आई हूँ मंगल बाजार से। हमारे यहाँ पे ट्यूजडे मार्केट लगती है, जो कि आपको सबको पता है, पर मेरे को लगा कि मैंने आज यूट्यूब पर नहीं, मैंने रील देखी थी इंस्टाग्राम पे कि ना एक स्पेशल डिश बना रही है जो कि घर का सामान निकल रहा है। तो मैं बस वही रौनक बना के खिलाऊंगी कि इसको कैसा लगता है टेस्ट में, क्योंकि उसको देखकर ना मेरा मन कर रहा था कि मैं रोटी के साथ खाऊं उसको अच्छे से। उसको चावल के साथ भी खा सकते हैं, नॉर्मल हम चावल बनाते हैं ना, तो उसके साथ भी खा सकते हैं। तो मैं बस वही बना रही थी। अभी लग रहा है तड़का, और उसमें डालूंगी मैं टमाटर, और उसमें डालूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, और साथ में उसके बाद मैं वो चीज़ डालूंगी जो रौनक कभी मुझे नहीं बतानी, और उसके बाद नमक मिर्च मसाला हल्दी जो भी डालना है वो सब डाल दूंगी। मैं कान बंद कर लेता हूं, गाइस को भी बता दो। नहीं गाइस, नहीं सर, गाइस मैं आपको बता अभी दिखाऊंगी ना मैं आपको, तो फिर रौनक को भी दिख जाएगा। तो अभी नहीं बताऊंगी, अभी बनने के बाद दिखाऊंगी। टेस्टी होगा ना, मतलब आपने बना रखा है पहले भी? हाँ बनाया तो है, पर एक्सपेरिमेंट हुआ होगा लास्ट बार भी। एक्सपेरिमेंट नहीं करती गाइस मैं, करती हूं ना, होता है एक्सपेरिमेंट है, पर खाने में वो टेस्टी लगता है, पर दिखने में अच्छा है, कैसा भी हो पर अच्छा ही बनेगा। ठीक है, तो मस्त बनाना प्लीज। तो गाइस जो मैं आपको बता रही थी ना कि मैं एक स्पेशल सब्जी बनाने वाली हूँ, तो गाइस मैंने इसमें डाल दिया प्याज और टमाटर की मैंने ग्रेवी बनाकर उसके अंदर डाल दिया मैंने दही डाल दिया गाइस, और ये बनेगी अब टेस्टी सब्जी। और मैं रौनक को नहीं बता रही, ये पता नहीं वाइट क्यों लग रही है, वैसे तो येलो कलर की है, पता नहीं वाइट कैसे हो गई है, समझ में नहीं आ रहा मुझे। हाँ अब सही लग रहा है, पहले तो बिल्कुल वाइट लग रहा था, क्योंकि अभी मैंने दही डाला था ना गाइस, तो अच्छे से मिक्स नहीं हुआ होगा, तो मैंने इसमें दही डाल दिया। पर रौनक को मैं नहीं बता रही, क्योंकि फिर रौनक को बता दूँगी शायद वो खाए ना, इस करके मैं जब उसको खिला दूँगी ना, और उसको रोटी खिला दूँगी, तो उसको बोलूँगी अब तू बता कैसी थी सब्जी, तो उसके बाद वो बताएगा। इसके अंदर मैं ऊपर ना, अभी मैं इसके ऊपर डालूँगी धनिया के पत्ते गाइस, तो अभी देखते हैं रौनक को ये कैसी लगती है। तो गाइस कई बार कैसे क्या होता है कि बच्चों को हम बता नहीं सकते कि उनको खाने के लिए क्या हम दे रहे हैं, क्योंकि मैं उसको बता दूंगी ना कि मैं ये बना रही हूँ, वो कहेगा पता नहीं क्या ही बना दिया मम्मी ने, वैसे कैसा लगेगा कैसे नहीं लगेगा। तो इस करके ये मैं खुद से बना रही हूँ, एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, अब उसको कैसा लगेगा नहीं पता। ऐसे कौन आता है पहले ये बताओ डराने के लिए। डॉली माँ भी आती है, कोई नहीं आता। ऐसे कौन आता है घर में डॉली के अलावा? कोई आता ही गा है क्यों डराने आ रहा है? देखो हर कोई मस्ती नहीं कर सकता ना। बस तू सीरियस रहती है, भाभी मस्ती कर। मैं सीरियस कहाँ से लगती हूँ आपको बताओ? क्यों बोला करती रहती है? मैं सीरियस आपको कहाँ से लगती हूँ बताओ? ये देखो मेरे साथ ही हंसती है, जब देखो ऐसे हम ना आए तो वैसे ही बैठी रहेगी। अब कोई अकेला बैठे क्या मुस्कुराएगा बताओ? तो मैं बहुत हंसती हूँ, भैया कहते हैं ये डॉली तो बनती है रावण की तरह। मैंने सैटी के ऊपर कोई चद्दर नहीं बिछानी, कोई कुछ नहीं करना, हर दिवाली के दिवाली अपनी शीट चेंज करते हैं, बात खत्म। भाई आए चदरे बिछाए बिना मैचिंग नहीं कुछ। कौन सी चदरे चेंज कर रहे हो? इसके ऊपर सेट के ऊपर जो चदरे बिछाते हैं गाइस, मैं देखती हूं इन्होंने कौन सी चदर चेंज कर दी। मेरे को तो कुछ पता ही नहीं, चदर चेंज नहीं की। मैं कह रही हूं गद्दी का कपड़ा ही चेंज करवा दिया करूंगी साल में एक बार, 6 महीने ये साइड 6 महीने पिछली साइड। तो क्या करोगे? मैं धोना नहीं चाहते। ना 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 मुझे नहीं, मेरे को अलग अलग चाहिए, हर टाइम लुक अलग। इसका कपड़ा अब दिवाली पे इसका कपड़ा चेंज कर। हां तो सही है, एक अलग से वो आएगा ना। मैं चदर नहीं बिछाऊंगी, साल के साल ही गद्दी चेंज करवा दूंगी, कपड़ा चेंज हो जाए। अच्छा वैसे इसके ऊपर आप चादर बिछाते थे ना? चादर नहीं बिछाऊंगी, पहले तो बिछाते थे ना। जब से मेरा मकान बना है मई से हाँ, जो अप्रैल मई से बना है, तब से मैंने चादर नहीं बिछाई। अच्छा साल हो गए, साल हो गए। हमें तो ये डिजाइनिंग करके बनानी पड़ी, तो हमें इसे छोटा बनाना पड़ेगा।
क्यों हमारी वॉल ही चिप जाएगा ना, हाँ बेकार हो जाएगा ना, मतलब बन जाएगी ऐसे कम वाली वाली, पर आपकी लेंथ ऐसी इतनी कम कर दोगे थोड़ी सी, है ना, क्योंकि पूरा रखना है ना, क्योंकि पूरा यहाँ पे यहीं पे तो है वो बीच में सारा छुप जाएगा, ये तो वही अच्छी लगती है, ये कहते अभी तो बोल के मुझे वही चीज तो मेरे को जिसी को भी अट्रैक्टिव लगती है, भाई आप भी करा लेना, नहीं अभी तो मैंने अभी नहीं, बाद में जब भी डेढ़ साल बाद कराना, हाँ अभी रुक के अभी मत करवाओ, जब भी नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं अभी नहीं बोल रही भाई, मैं कह रही हूँ जब वॉलपेपर चेंज करोगे ना, जीना की शादी अभी जब वॉलपेपर चेंज करोगे तब वैसा करा लेना, है ना, कमरा कितना पैसा लगाएगा मतलब जितना मर्जी लगा, आप वॉलपेपर ना भी चेंज कराओ इसके ऊपर ही तो वो पैनल लगेंगे, जरूरत ही नहीं है इसको निकालने की भी, पैनल इसके ऊपर उठ जाए बल्कि इसको सपोर्ट मिल जाएगा, और अच्छा उल्टा मेरे को क्या है बेड आगे करना, आपको तो खलारा वाला कोई काम नहीं, कोई काम नहीं, कोई बेड को आगे आएंगे बस, यहाँ से उन्होंने थोड़ी डिजाइन देनी और आपका डिजाइन बना देना, सोने भाभी ने आप जैसे ही कराना ना, हाँ बोल रहे हैं पता नहीं, देखो हो सकता है बच्चों को थोड़ी अलग कुछ अलग सी चीजें और दिख जाती है ना, बंदा थोड़ा सोचता है सीनरी में पिक्चर में कुछ और चीज, अरे नहीं नहीं मतलब वैसा एक तरह से वॉल वैसी ही रेडी करना, वैसे तो मेरा बड़ा दिल था अगर ये कस्टमाइज पता ही नहीं था ना मैं इतनी जल्दी जल्दी काम करने, तो हम चारों की ना बहुत बड़ी बड़ी पिक्चर सोचा था मैंने बनाने की, मेरी इनकी काकू की साथ की पूरी फैमिली फोटो लगा दी सीनरी का, सीनरी और चीज का बड़ी वाली जैसे ये लगी हुई ना, ये छोटी है ना वो पूरा का पूरा वॉल जितना है ना, वो भी बड़ी प्यारी लगती है, बहुत प्यारा, वैसे वो भी अच्छा लगता है करा सकते हैं ना, अपनी फोटो तो है हम छोटा करके टांगने से तो अच्छा पूरा का पूरा वॉल ले लो एक बार में रेडी कर लो, है ना, फिर बाद में जब वो चेंज करवा ली उसको कुछ, पर भाई वो सिंगल एक फोटो अच्छी लगती है मेरे हिसाब से, कि नहीं नहीं फैमिली में चार जने तो चारों ही अच्छी लगी, ऐसी बात नहीं, नहीं नहीं मतलब कि एक ही फोटो अलग अलग नहीं, एक मीन से साथ में, हाँ साथ में क्या फोटो, हाँ सर ये भी अच्छी लगती है फोटो, वो मेरा दिल था आपको भी लगा रही हूँ, अब चीना के कमरे में कितनी सुंदर सीनरी है, वो बड़ी प्यारी लगती है, बंदर है सीनरी है क्या, बंदर भी सुंदर लगता है लटका हुआ, तो गाइस मेरा डिनर हो चुका है रेडी, यहाँ पे मेरी रोटी है और ये पता नहीं कौन सी सब्जी है जो मम्मी ने बनाया, मेरे को तो लग रही है पनीर की भुर्जी लग रही है, वैसे वैसे ही कलर, अभी देखता हूँ मम्मी कहती कुछ डिफरेंट है, देखने में पनीर की भुर्जी लग रही है और साथ में थोड़ा सा क्यूकम्बर है, तो हाँ बस ये मेरा डिनर है, मैं इंजॉय करूँगा और आपको बताऊँगा क्या है, पता नहीं अजीब सा ही लग रहा है वैसे, तो चलो ट्राई कर देखूँगा, तो गाइस भाभी के साथ मैं जा रही हूँ घूमने के लिए, भाभी कहाँ लेके जा रहे हो, छत पे चलो भी चलो 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 ये बोलेगी पहले, चलो छत पे चलो छत पे, बंद ही हो गया दरवाजा, बोल दे तो बड़ी को बोल दे, नहीं अंदर से भी कर ले रहे हैं, नहीं खुला पड़ा होगा, नहीं बंद बंद है, तो गाइस मैं छत पे से कपड़े उतारने के लिए आई थी और ये कोको आ गई मेरे पीछे पीछे, कार्तिक उसके पीछे पीछे, भाई क्या कर रहे हैं, नीचे छोड़ने आया था, नीचे छोड़ने आया था कोको, क्या चाहिए कोकुला, घूम रही है, तूने सुबह स्कूल जाना है ना भाई, तो सोता क्यों नहीं है, नींद नहीं आ रही, सो जा जाके, नींद नहीं आ रही, कितने बजे आएगी नींद, पता नहीं सुबह कितने बजे उठेगा, सुबह 6:30 बजे, हाय हाय सो जा फिर, चेरी को भी जाने नहीं, नहीं नहीं चेरी नहीं जाएगा, चेरी 2 दिन के बाद जाएगा अभी, किताबें मिलेंगी, हाँ मिलेंगी, क्या लेके आएगी किताबें, क्या बाहर से मिलेंगी, लेके आनी पड़ेगी ना, कल किताबें लेके आऊँगी इसकी, उसके बाद फिर जाएगा स्कूल, ठीक है अब तू टाइम पे सो जा, ठीक है ना, अब दरवाजा बंद कर दे, तो मेरा कसूर है इसमें, हाँ तो सुबह 12 बजे पड़े तो अब लिफ्ट लगा लो, अरे कोई नहीं रहेंगे सुबह सुबह उतार ले, नहीं 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 मेरे पास सुबह जब टाइम नहीं होता मेरे पास, चलो चलो अभी चलो, हाँ नहीं तो हाँ मेरे को भी सो सो के आती है, ऊपर आके बताती हूँ आपको, चलो चलो को खोल दिया, तो गाइस अभी अभी मुझे पता लगा है कि मेरी लगी है लॉटरी, और वो भी लॉटरी किस चीज़ की लगी है वो मैं आपको दिखाती हूँ गाइस, क्योंकि ये वाली चीज़ जो है ना हम हमेशा सब कहते हैं कि जो फीमेल्स का काम होता है कि ठीक है थोड़ी सस्ती मिल जाए या फिर थोड़ी फ्री में मिल जाए, तो हम लोगों का काम होता है कि हम जब भी जाते हैं मार्केट तो हम फ्री में मांगते हैं वो चीज़, और आज मुझे बिना मांगे ही वो अपने आप से फ्री में मिल गई, तो मैं आपको दिखाती हूँ गाइस कि मुझे क्या मिला, तो गाइस अभी मैं थोड़ी देर पहले गई थी ट्यूसडे मार्केट, वहाँ से मैं लेके आई हूँ आलू प्याज अदरक, ठीक है, और साथ में लाई हूँ शिमला मिर्च और इसमें करेला, बड़े दिन से मेरे करेला खाने का मन कर रहा है, और ये है जुगनू, इसको जुगनू कहते हैं, ये घी की तरह ही होता है वैसे, पेठा ही होता है एक तरह से ये सीताफल जैसा, और ये करेला है, और ये एक ही लिफाफे में सब कुछ डाल दिया इसने, और ये शिमला मिर्च है, ठीक है, और भाई बड़ा कंजूस निकला भैया, नहीं भाई ये ना बहुत कंजूस निकला, उसने क्या करा एक लिफाफे में सब कुछ डाल दिया, और ये भिंडी लाई हूँ मैं सुबह के लिए, और ये साथ में लाई हूँ छोटा सा सीताफल,
ये बनाए होंगे, मैं पेठा बनाऊंगी, सब में बनाऊंगी रौनक के लिए पूरी। और मैं आपको बताती हूँ मेरे को फ्री में क्या मिला है गाइस, मेरी लॉटरी लगी है। मैंने अभी अभी पॉलिथीन खोल के देखा ना, तो इसमें से निकला ये धनिया और ये हरी मिर्च, जो कि मुझे पता भी नहीं थी कि मेरे इसमें है, मुझे पता अब चला। तो गाइस ये शायद ना किसी और की डाली होगी इसने, पर ये मुझे मिल गई। तो गाइस शायद ये किसी और की होगी धनिया और मिर्ची चारा घर जाकर ढूंढा होगा क्या करूँगा गाइस। और मुझे हंसी आ रही है, मैं क्या करूँ, मेरी लॉटरी लगी है तो मेरे को अच्छा लग रहा है। अब मुझे क्या पता किसका भाई, अब जिसका होगा वो अपने आप से क्या पता ढूंढने के लिए आया हो। पर 10 रुपये के धनिया के लिए और मिर्ची के लिए कौन आएगा, वैसे बंदा सोचता है कि हमने खूब इधर उधर रख दिया कहाँ तो बस अभी मेरी मैंने देखी, मैंने बोला हो इसमें से मिर्ची निकली और धनिया निकल गया, जो कि मैं सच में बताऊँ मैंने अभी जो सब्जी बनाई थी ना रौनक के लिए दही वाली वो तड़का लगा के, तो उसमें मैंने धनिया डाला था ना गाइस, वो मैंने ललिता भाभी से ना मांग कर लिया था थोड़ा सा कि ना धनिया दे दो जरा सा। तो अभी मेरे को पता लगा कि मेरे को मिली है फ्री में एक चीज़, भाभी से मिलवाती हूँ आपको। ये आपको फ्री में लग रहा है, कहीं से अलग से डाल के देगा वो? फ्री में नहीं है ना वो, तो भगवान जाने फ्री में तो कहाँ भाई, वो तो उसी लिफाफे में, जैसे कि अब उसी लिफाफे में डाल के देते हैं, किसी का होगा तेरे लिफाफे में। चल सही है, मजा आ गया, मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी मुझे फ्री में मिल गया ये बोल रहे ना। हाँ सही है, कई बार ना ये चीज हम मांग मांग के लेते हैं, भाई दे दे फ्री दे दे फ्री दे दे, ये बिना मांगे फ्री, ये फ्री वाली चीज अच्छी रहती है। हाँ। नहीं मगर मैं 10 रुपए का पाल आई हूँ खरीद के, मेरे को इतना सारी बंडल था मेरा, मैं तो खरीद के मैं भी लेके आती हूँ, पर अभी जो मिला है पिछली बार भी 10 रुपए का पाल लेके आई थी खत्म हुआ, अब भी 10 का पाल मंगल के मंगल लेके आती हूँ मेरे। हाँ वो चटनी बनाते हो ना वैसे भी सर्दियों में, गर्मी वैसे ही पुदीना में डाल दो, किसी चीज में डाल दो, अच्छा लगता है, पनीर में डाल दो, फ्रेश आ जाती है ना सब्जी में, थोड़ी फ्रेशनेस आ जाती है। भैया को क्या हो गया, चोट लगी, जल नहीं गया? हाँ चार्ज लगे ना। अच्छा तो अभी कहाँ गए डॉक्टर के पास? नहीं अब क्यों जाएंगे, अंदर दिख नहीं रहे मुझे, अंदर ही है, अंदर ही है। अच्छा ज्यादा लगी है ना, मैं अभी मास है ना जब, तो चाय कैसे गिर गई, मैं रख रही थी चाय, जैसे चाय ट्रे के अंदर लेके आई, रखने लगी ना वो जो चाय है वो ट्रे से खिसक गई अपने आप खिसक गई। हाय हाय तड़प रही होंगी उस टाइम, अब क्या, हाँ हाय हाय आज के बाद मैं क्या करूँगी, ट्रे पकड़ूंगी साथ में ऐसे कप पकड़ूंगी, तो मैं तो करती भी ऐसी हूँ, मैं करती भी ऐसी हूँ, मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ। नहीं मैं कप पकड़ के रखूंगी आज के बाद, मैंने सुबह दोपहर शाम को चाय दिया, मैंने कप के साथ पकड़ के, हाँ क्योंकि खिसक जाती है, बड़ी गलती है आज, अच्छा नहीं लगा, चलो कोई नहीं आराम आ जाएगा। तो गाइस भाभी को सुन के शायद खुशी नहीं हुई ज़्यादा, फ्री का धनिया देख के मेरा ऐसी बात नहीं है, खुशी नहीं हुई, पर ना उनको थोड़ा रिएक्शन उनका थोड़ा सा नॉर्मल रहा, पर मेरे को ज़्यादा खुशी हो रही है, जिस हिसाब से मेरा रिएक्शन था ना उनका वैसा रिएक्शन नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही अपना रिएक्शन दे दूँ। तो बस अब मैं सुबह बनाऊँगी भिंडी, और भिंडी में तो धनिया डलेगा नहीं, और उसके बाद जब मैं सीताफल बनाऊँगी या फिर शिमला मिर्च आलू बनाऊँगी या कुछ भी बनाऊँगी उसके अंदर धनिया डलेगा। तो बाकी अभी तो मेरी भिंडी की सब्जी बनेगी जो मैं अभी वॉश करके रखूँगी गाइस। ओके गुड नाइट गाइस, इसी के साथ आज के ब्लॉग का अंत हम यहीं पे करते हैं, कल मिलते हैं गाइस एक नए ब्लॉग के साथ और एक नई प्यारी सुबह के साथ। तो गाइस आप लोगों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आए थे गाइस, तो ऐसे में सबने मैं रिप्लाई नहीं करी तो सॉरी उस चीज़ के लिए, क्योंकि अभी मैं एक दो दिन में छुट्टी करूंगी ऑफिस की, तो मैं आपके कमेंट्स करने के लिए नहीं गाइस, तो मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई भी करूंगी और साथ में अपने ब्लॉग में आप लोगों के कमेंट्स भी लूंगी, क्योंकि आपके बहुत प्यारे कमेंट्स आते। तो गाइस उसी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, कि टचवुड है कि बहुत रियल होता है कि कोई बैड कमेंट आ जाए, पर अभी तक हुआ नहीं ऐसे, है ना रौनक? तो ऐसा अभी तक हुआ नहीं है, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है गाइस, तो इसी तरह से गाइस सपोर्ट करना है, क्योंकि आपके साथ और आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।